हेलो फ्रेंड, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोदक रेसिपी। तो उसके लिए मैंने सामग्री ली है 1 कप सूजी, 1/3 कप चीनी, 2 बड़े चम्मच घी, थोड़ा सा किशमिश, थोड़े बादाम कटे हुए और थोड़ा काजू कटे हुए और थोड़ा सा चिरौंजी, उसको क्रश कर लिया था। तो बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो सभी ड्राई फ्रूटों को हमें इसमें भूनना है। तो इसमें बादाम, काजू और इसी के साथ चिरौंजी। तो गैस का फ्लेम हमें कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो जो हमारे जो मेवे हैं वो जल जाएंगे। तो इनका हमें कलर चेंज होने तक ही भूनना है। और इसी के साथ किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश मैंने बाद में ही डाला है क्योंकि हमें इनको 2-3 सेकंड तक ही भूनना है। तो ये भून चुके हैं, गैस को ऑफ कर दिया था। तो उसी कढ़ाई को हमने दोबारा रख दिया है। तो 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे इसमें। घी पिघल चुका है और इसके साथ डाल देंगे सूजी। घी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम भी डालेंगे तो उसमें भी बन जाएगा अच्छे से। तो इसी के साथ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि घी इसमें मुझे और डालना चाहिए, तो थोड़ा सा घी मैं उसमें और डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच घी और डाला है इसमें। तो हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है और गैस का फ्लेम थोड़ा कम ही रखना है ताकि अच्छे से बराबर मात्रा में पकेगी। और इसको सुनहरी होने तक हमें और खुशबू आने तक पकाना है। तो हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भून चुकी है। तो उसी कढ़ाई को हमने दोबारा रख दिया था और इसमें चीनी डाल दी है चाशनी बनाने के लिए। और इसी के साथ पानी डाल रहे हैं, जितना चीनी अच्छे से डूब जाए। तो गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल हाई रखना है। और इसी के साथ मैंने 4-5 इलायची का जो क्रश कर लिया था उसमें इसमें डाल देंगे। इससे क्या हमारे मोदक में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारी जो चाशनी है करीब बन रही है और चारों तरफ से लगने लगी है। तो इसका मतलब चाशनी बनने वाली है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से उंगली और अंगूठी के बीच में करके दिखाएंगे। तो हमें 1 तार की चाशनी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो इसी के साथ डाल देंगे भुनी हुई सूजी और गैस के फ्लेम को हमें कम ही रखना है। और मैंने ली है ताज़ा दूध की मलाई, आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो जो हमने मेवे जो थे हमारे वो भुने थे तो सभी को इसमें डाल दिया है। और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल ही कम रखना है, उसको लगातार चलाते हुए। तो मैं अभी एक आपको दिखा रही हूँ उसको गोला बना के। तो ये अच्छे से बन चुका है हमारा डो और हमने गैस को ऑन करके ऑफ कर दिया था। ये ठंडा हो चुका है तो अब इसके मोदक बना लेते हैं। अगर आपके पास मोदक बनाने के मोल्ड हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। मैं हाथ से बना रही हूँ, हाथ से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो आपको शेप देंगे, तो इस तरह से आपको गोल गोल घुमाकर आप थोड़ा शेप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। आप चम्मच की सहायता से या फोक की सहायता से भी इस तरह से इसको इसका डिजाइन बना सकते हैं।
देख सकते हैं आप, हमें मोर की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, और इतना अच्छा से हमारे जो है मोदक बन गया है। तो आप इसकी जगह लड्डू भी बना सकते हैं इसके गोल गोल। तो हमारे मोदक बनकर तैयार हैं। तो हमारे गणेश जी को मोदक का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको भोग लगा रही हूँ। तो सारे मोदक हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और आपको मेरा सूजी मोदक बनाने का तरीका कैसा लगा, तो आप मेरे साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके।